गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर सेकेंड, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल, कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन एंड आंसर। इट मींस जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, इस चैप्टर में दो पार्ट्स के हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, उसमें से जो पहला पार्ट है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल का, जो फर्स्ट पार्ट अपने पास है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हमें पांच या छह क्वेश्चंस हैं जो सॉर्ट आउट करने के लिए चैप्टर के बीच में मिले हुए हैं। तो पहले हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर हम उसकी सेकंड जो स्टोरी बनती है अपने चैप्टर की, वो सेकंड स्टोरी है वो पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चंस। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं क्लास और चैप्टर है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का उपहार, इस तरह से करके अपना चैप्टर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन हल करेंगे। कौन से क्वेश्चन है? कॉम्प्रिहेंसन, C O M P R E H E N S I O N, कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट यानी गुप्त, दैट मीना सेल्स व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना सेल्स विथ मृदु, जो उसकी मौसेरी बहन थी मृदु, इन द बैकयार्ड। अब देखिए इस क्वेश्चंस को सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट, वो गुप्त क्या था, वो रहस्य क्या था, दैट मीना सेज, जो मीना शेयर करती है, बांटती है, बताती है विद मृदु, उसकी जो मौसेरी बहन है, इन द बैकयार्ड यानी आंगन में पीछे ले जा करके वो अपनी बहन जो है यानी मीना मृदु के साथ पिछले आंगन में किस प्रकार का जो रहस्य है वो बांटती है, या किस प्रकार का रहस्य है वो आप शेयर करती है। यह आपका पहला क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो सबसे पहले इसके आंसर में हम लोग चलते हैं। तो ऐसा क्या रहस्य था, आप लोगों ने भी स्टोरी पढ़ी है तो इसके अंदर सामने आया होगा। तो देखिए, मीना शेयर ए सीक्रेट, क्या शेयर करती है मीना? तो सबसे पहले देखिए, मीना शेयर्स ए सीक्रेट, मीना जो है वो एक रहस्य सीक्रेट विथ मृदु किसके साथ करती है, विथ मृदु, इतना तो क्वेश्चन से आ गया। मीना शेयर्स ए सीक्रेट विथ मृदु, सी टेल्स हर, क्या बताती है उसको, सी टेल्स, सी टेल्स हर, देखिए सी टेल्स हर वह उसको बताती है, क्या बताती है, सी टेल्स हर दैट दे फाउंड यानी उन्होंने प्राप्त किया है, उन्होंने पाया है एक कीटन, एक कीटन
आउटसाइड द गेट, आउटसाइड आउटसाइड द गेट यानी दरवाजे के बाहर उनको एक कीटन यानी बिल्ली का जो छोटा बच्चा उन्होंने प्राप्त किया है, पाया है। Which was mewing, जो बोल रहा है, पुकार रहा है, क्या कर रहा है? Which was mewing, जो बात कर रहा है। Which was mewing piteously, O-U-S, L-Y, patiently, मीविंग पेशेंसली, वो बड़ी उत्सुकता के साथ बातचीत कर रहा था, बोल रहा था। दे हैव केप्ट इट, दे हैव केप्ट इट, दे हैव केप्ट इट बिहाइंड ए थिक, बिहाइंड ए थिक बेरी बस, बेरी बस बस इन बैकयार्ड, इन बैकयार्ड। तो देखिए इस आंसर को क्या कहा जा रहा है। मीना शेयर्स सीक्रेट विथ मृदु, सी टेल्स हर दैट मीना शेयर्स ए सीक्रेट विथ मृदु। मीना जो है मृदु के साथ एक रहस्य बांटती है, और सी टेल्स हर, वह उसको बताती है, दैट कि दे फाउंड ए कीटन, उन्होंने पाया एक कीटन आउटसाइड द गेट, दरवाजे के बाहर एक बिल्ली का बच्चा उनको मिला, विच वॉज म्यूइंग पीटियसली, यानी वो उत्सुकता की तरफ म्याऊ म्याऊ पुकार रहा था। एंड दे हैव केप्ट इट, और उन्होंने उसको रखा हुआ है। बिहाइंड ए थिक बेरी बुश, एक बहुत गहरे झाड़ी के पेड़ के पीछे, इन बैकयार्ड, हमारे घर के आंगन में, हमारे घर के अहाते में, हमारे घर के बैकयार्ड में, पीछे का जो अहाता होता है, बाड़ा जो होता है, उसके अंदर जो झाड़ी जो है, बड़ा सा कोई झाड़ी का पेड़ है एकदम सघन, उसके पीछे उसको छुपा के रखा हुआ है। तो क्या रहस्य उसको बताया? मीना शेयर्स ए सीक्रेट विद मृदु, सी टेल्स हर दैट दे फाउंड ए कीटन आउटसाइड द गेट विच वॉज मीविंग पिटीशियली, दे हैव केप्ट इट बिहाइंड ए थिक बेरी बुश इन बैकयार्ड, बेरी बुश इन बैकयार्ड। कहने का मतलब क्या, मीना ने एक रहस्य है वो मृदु के साथ साझा किया। सी टेल्स हर दैट, उन्होंने उसको बताया, दे फाउंड ए कीटन, उनको एक बच्चा मिला है आउटसाइड द गेट, दरवाजे के बाहर, इसका कीटन यानी होता बिल्ली का बच्चा मिला, एंड विच वॉज मीविंग पिटीशियली, बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ वो बोल रहा था। एंड दे हैव केप्ट इट, हम लोगों ने उसको रख लिया है, बिहाइंड ए थिक बेरी बुश इन द बैकयार्ड, घर के आंगन के पीछे की गहरी झाड़ियों में उसको छुपा के रखा हुआ है। इस तरह का जो रहस्य था वो उन्होंने किसके साथ, किसने शेयर किया? मीना ने उसके साथ शेयर किया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो पे चलते हैं। हाउ डज रवि गेट, प्रश्न नंबर टू, हाउ डज रवि गेट मिल्क, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द कीटन, मिल्क फॉर द कीटन। रवि ने बच्चे के लिए दूध कैसे प्राप्त किया? हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द कीटन, यानी रवि ने जो है उस छोटे से पिल्ले के लिए या उस बिल्ली के बच्चे के लिए, उस कीटन के लिए दूध है वो कैसे प्राप्त किया? दूध को प्राप्त करने में कितनी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हुई, वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं।
हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द कीटन? रवि ने बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे प्राप्त किया? आपको पता है वो गिलास लेकर के बिना टाइम के दूध पीने के अपनी दादी से बात कर रहा होता है। दादी कहता है अभी थोड़ी देर पहले तो खाना खाया था क्या, मुझे भूख लगी हुई है कुछ, वो उसके सामने बहाना करता है पीने का, फिर वो उसको लेकर के जाता है। वो स्टोरी जो हमने पढ़ी थी चैप्टर में वो देखते हैं। तो देखिए He pretends to be hungry. तो बहाना क्या था उसने? Pretends यानी बहाना। तो answer बात कर लेते हैं सबसे पहले। Answer he pretends वह बहाना करता है। He pretends to be hungry. He pretends to be hungry. वह भूखा होने का बहाना करता है। He pretends to be hungry and take milk in a glass and take milk in a glass in a glass वह भूखा होने का बहाना करता है। take milk in a glass और एक glass में क्या है दूध प्राप्त कर लेता है, दूध लेता है। he then slowly drinks he then slowly drank drinks some of it drinks some of it he then slowly drank some of it उसमें से कुछ तो वह धीरे धीरे पी गया। To mislead his grandmother. वह अपनी दादी को मिसलीड करने के लिए, उसका ध्यान हटाने के लिए कुछ दूध उसमें से पी लेता है। As soon as he gets some chance, जैसे उसको कुछ मौका मिलता है, जैसे उसको कुछ मौका मिलता है, तो वो क्या करेगा? He quickly pours the remaining milk. He quickly pours यानी जल्दी सी, pours यानी उड़ेल देना। He quickly pours the remaining milk बचा हुआ जो दूध है, he pours the remaining milk बचा हुआ दूध है वो उसको उड़ेल देता है। In the coconut shell नारियल की जो छाल होती है उसके ऊपर उड़ेल देता है। छाल पर क्यों उड़ेल लगा? फॉर द कीटन, किसके लिए उड़ेल देता है? सेल फॉर द कीटन टू ड्रिंक यानी उस बिल्ली के बच्चे के पीने के लिए वो कुछ दूध है उस पे उड़ेल देता है। तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए वह यहां से हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द कीटन बिल्ली के बच्चे के लिए, वह
बिल्ली के बच्चे के लिए, यानी बिल्ली का जो बच्चा था रवि, बिल्ली के बच्चे के लिए दूध किस प्रकार प्राप्त करता है? हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? इन बिल्ली के बच्चे के लिए रवि किस प्रकार से दूध प्राप्त करता है? तो सबसे पहले देखते हैं, ही प्रिटेंड टू बी हंग्री, वह भूखा होने का बहाना करता है, एंड टेक मिल्क इन द ए ग्लास, और एक ग्लास में दूध प्राप्त करता है। ही देन स्लोली ड्रिंक सम ऑफ इट, फिर वो धीरे धीरे इसमें से कुछ पी लेता है। इट टू मिसलीड हिज ग्रैंड मदर, अपनी माताजी का ध्यान भंग करने के लिए कि बच्चा स्वयं ही दूध को पी रहा है। एंड एज सून एज ही गेट्स सम चांस, और जैसे उसको थोड़ा सा मौका मिलता है, ही क्विकली प्योर्स द रिमेनिंग मिल्क, ही क्विकली तुरंत प्रभाव से जल्दी सी प्योर्स द रिमेनिंग मिल्क, बचा हुआ दूध, द कोकोनट शेल फॉर द कीटन टू ड्रिंक, नारियल की जो छाल थी उसके ऊपर उड़ेल देता है ताकि बिल्ली का जो बच्चा है वो दूध को पी सके, या बिल्ली के बच्चे के पीने के लिए जो दूध होता है उसको कोकोनट शेल जो होती है उसके ऊपर उड़ेल देता है। इस प्रकार से रवि है वो दूध को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये दो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको सॉर्ट आउट करवाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चंस को एक बार सरसरी दृष्टि से दोबारा देख लेते ताकि आपके कोई इश्यूज नहीं रहे। सबसे पहले, वॉट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैक यार्ड? एक एक शब्द, एक एक वर्ड की मीनिंग और हिंदी का और अंग्रेजी का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलाकर के आपको याद करना है। नाउ यू कैन पे अटेंशन टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द सीक्रेट, वो रहस्य क्या है दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड? जो मीना है मृदु को आंगन में बताती है, वो रहस्य क्या है जो मीना है मृदु के साथ आंगन में बांटती है, शेयर करती है, बताती है, वो रहस्य क्या है? वी नो अबाउट द सीक्रेट, उस रहस्य के बारे में हमें बताना। देखिए, मीना शेयर्स अ सीक्रेट विद मृदु, मीना है वो मृदु के साथ एक रहस्य साझा करती है, एक रहस्य बांटती है, एक रहस्य उसको बताती है। शी टेल्स हर, वह उसको बताती है, दैट दे फाउंड ए कीटन, उन्होंने दैट दे फाउंड ए कीटन आउटसाइड द गेट, दरवाजे के बाहर उन्हें एक बिल्ली का पिल्ला या बिल्ली का बच्चा मिला, एंड विच वॉज मीविंग पीटियसली, जो दया की भावना से या ऐसे गरीब की तरह से बात बोल रहा था कि उसके प्रति दया करो, उसे भूख लगी हुई है, पीटियसली यानी वो उदासीनता के साथ, दया के साथ, ऐसे पेशेंसली बड़ी स्लोली स्लोली बोल रहा था। दे हैव कैप्ट इट, उन्होंने उसको रख लिया, बिहाइंड अ थिक बेरी बस इन बैकयार्ड, घर के आंगन के पीछे या घर के अहाते की जो झाड़ियां थी, जो गहरी झाड़ी थी उसमें छुपा करके उस बिल्ली के बच्चे को उन बच्चों ने क्या कर लिया, रख लिया। तो ये तो रीजन था वो जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था। नाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द कीटन, रवि ने बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे प्राप्त किया? देखिए, ही प्रिटेंड्स टू बी हंग्री, उन्होंने भूखा होने का बहाना किया, एंड टेक मिल्क इन ग्लास, एक ग्लास, और एक ग्लास में दूध ले लिया। ही देन स्लोली ड्रिंक सम ऑफ इट, धीरे धीरे वह उसमें से कुछ पी लिया। इट टू मिसलीड हिज ग्रैंड मदर, अपनी माताजी दादी माँ का ध्यान बटाने के लिए, एज सून एज ही गेट सम चांस, और जैसे उसे कुछ मौका मिला, ही क्विकली प्योर्स द रिमेनिंग मिल्क, वह तुरंत उड़ेल देता है बचे हुए दूध को, टू द कोकोनट सेल, नारियल की छाल पर, फॉर द किटन टू ड्रिंक, ताकि बिल्ली का बच्चा उस दूध को पी सके, उस दूध का सेवन कर सके और अपनी भूख है उसको संतृप्त कर सके। इस प्रकार से ये दो क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने सॉर्ट आउट करे हैं, यू कैन राइट इट योर फेयर नोटबुक टू मेंशन द डेट 24 अगस्त की जो डेट मेंशन करके, ये दोनों क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में करेंगे। इट्स योर होमवर्क, या आज की क्लास का आपका होमवर्क भी रहेगा, असाइनमेंट भी रहेगा। तो यू कैन पॉज योर वीडियो एंड डू इट योर नोटबुक। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।